Hi, welcome to all the speakers and everyone watching Nari Talks first webinar of 2021. Our last speaker and our fourth speaker for today, Dr. Sangeeta Shankar Pandey. For the past 15 years, Dr. Pandey has been working as a marriage counselor in family court in Pune. She's also a very famous social activist. She has worked with the Chetna Vikas NGO, which focuses on raising and empowering the female children. She has also organized various free legal aid camps in villages for the purpose of raising awareness. Thank you, Dr. Sangeeta ji. Thank you for being here today. The topic of today's webinar relates to the legal landscape of women's rights. In other words, how has the law evolved for women in the contemporary times? The struggles for women equality began in India in the 20th century during the struggle for independence. While some groundbreaking laws have been introduced for the welfare, security, and benefit of women, there are still several laws in India which officially favor men over women. So even after having such stringent laws protecting women's rights in India, such as the Domestic Violence Act and the constant support of the Indian judiciary and the Indian constitution towards the maintenance of the divorced women and couples, the ground reality is very different and a little regressive in nature. So I would invite Dr. Sangeeta ji to actually throw some light on the effectiveness of the counseling process as described by the court. फैमिली कोर्ट एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो फैमिली कोर्ट में जो केसेस आती है सभी केसेस को पहले हमारे तरफ मैंने मैरिज काउंसलर जो है उनके तरफ भेजी जाती है. वो डाइवोर्स हो या रिस्टिट्यूशन की हो या मेंटेनेंस की हो, कोई भी केस हो, तो सबसे पहले वो मैरिज काउंसलर के तरफ भेजी जाती है. तो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि आई एम ए नॉट लीगल एडवाइजर, आई एम ए सोशल साइंटिस्ट करके वहां काम करती हूँ. तो जो आने वाली जो केस रहती है तो जितना हो सकता है उनका रिकंसिलेशन कैसा हो सकता है, उस वे से हम लोग पहले वो कपल्स को काउंसलिंग करते हैं. तो जो आने वाला जो रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिटीशन हमारे पास जो आती है तो क्लाइंट ने जो केस डाली है उस हिसाब से देखा जाए तो एलिगेशंस इतने सारे रहते हैं पिटीशंस में, तो हमको दोनों को समझाने के वक्त बहुत वक्त जाता है कि जो कुछ गैर समझ होते हैं, यानी पिटीशन में जो एलिगेशंस रहते हैं एडवोकेट के माध्यम से जो कुछ रहता है तो अपोजिट पार्टी यानी रिस्पोंडेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करता. तो काउंसलिंग के वक्त हमको दोनों को समझाने के लिए थोड़ा सा एक वक्त जाता है. पहले बार हम जब काउंसलिंग करते हैं तो इंडिविजुअली दोनों के साथ बात करते हैं और उनका जो गुस्सा रहता है उनको वहां से निकल कर बाहर कैसे एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं वो कोशिश हम लोग करते हैं. फैमिली कोर्ट रूल के हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या चाइल्ड, इनका दो है जो भविष्य है, उस हिसाब से पहले हम दोनों को एक साथ रिकंसिलेशन करके एक फैमिली सेव करने की कोशिश करना, ये मेरा हमारा मूल उद्देश्य रहता है. तो उस हिसाब से जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी दोनों को हम समझाते वक्त अगर इफ सपोज एक पार्टी मानती है और दूसरी पार्टी नहीं मानती है तो काउंसलिंग के बाद वो ऐसा होता है कि उन्होंने जो कुछ अपनी लीगली यानी अपनी खुद की जो भी एलिगेशंस है जो खुलकर हमारे साथ शेयर किए रहती है, तो जब अगर इफ सपोज रिकंसिलेशन या सेटलमेंट नहीं हो सकता है तो उस वक्त हम अगर कोर्ट में रिपोर्ट भेजते हैं, जब तक हमारा कोर्ट में रिपोर्ट नहीं जाएगा तब तक हम आगे की प्रोसीजर यानी लीगली जो कोर्ट का मैटर जो है वो शुरू नहीं होता है. तो इफ सपोज अगर दोनों ने हमारे पास अपनी बात खुलकर बात की है तो वो कोर्ट में जब हम रिपोर्ट भेजते थे सेटलमेंट नॉट पॉसिबल करके ही भेजते, यानी दोनों ने हस्बैंड या वाइफ ने जो कुछ हमारे पास बताया है तो वो हम कभी उसमें लिख कर भेजते नहीं है, यानी उसका यानी एक एडवोकेट के हिसाब से या कोर्ट उसका यूज नहीं कर सकेंगे. तो नॉट पॉसिबल करके सिंपल एक रिपोर्ट चला जाता है हमारा. हमारा ये मेन उद्देश्य रहता है कि काउंसलिंग के वक्त अगर इफ सपोज वो हस्बैंड या वाइफ ने अगर डाइवोर्स का केस डाला है तो भी रिकंसिलेशन के माध्यम से हम दोनों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं. एक
समझाने के बाद अगर वो रिकंसिलेशन के लिए अगर तैयार होते हैं तो हमारा एक पैटर्न रहता है रिकंसिलेशन का, दोनों को हम समझाकर लिखा पढ़ी करके हम दोनों को साइन करके हम कोर्ट में भेजते हैं, जिसमें दोनों के कोई भी एलिगेशन उसमें लिखे नहीं जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को कैसे हैंडल कर सकते हैं या समझ सकते हैं उस वजह से हम लोग रिपोर्ट करके कोर्ट में भेज देते। दूसरी बार ऐसा होता है कि इट्स ओपस दोनों साथ में रहने के लिए नहीं रह सकते हैं, तो दोनों ने अगर उनको समझाकर एक डाइवोर्स के लिए उन लोगों को समझाकर एक एमिकेबल सेटलमेंट करके एक लमसम अमाउंट देके बच्चे का और वाइफ का सेटलमेंट कैसा कर सकते हैं, इस वे से हम दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों ने अगर ये हमको कोऑपरेट किया, बहुत बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स ने भी हमको कोऑपरेट किया तो एकाधी वो जो केसेस रहते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एडवोकेट्स का हमारा सपोर्ट जो है वो अच्छा मिला तो बहुत से केसेस हमारा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है, यानी लेन देन का जो रहता है वो क्लियर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एलिगेशन इतने रहते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस रहती है 498 की, जो 498A की वो चलते रहती है, फिर डाइवोर्स की रहती है, इधर मेंटेनेंस की रहती है, इतने सब केसेस हैंडल करते करते हमको बहुत तकलीफ जाती है। तो बहुत बार हम कोऑपरेट चाहते हैं कि एडवोकेट ने अगर हमको कोऑपरेट किया तो दोनों का प्लेटफॉर्म एक हो जाता है, तो बच्चों का सेटलमेंट या पेरेंट्स का सेटलमेंट या बीबी का सेटलमेंट किस टाइप से करना चाहिए, ये हम वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वन टाइम सेटलमेंट ना करते हुए एक हर महीने का मेंटेनेंस देते रहेगा, तो ताकि उनकी उम्र देखकर हम देखते हैं कि आज अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, हमारा बच्चा है, हम बच्चों के हिसाब से हम वहां सोचती है कि मैं अपना लाइफ जी लूंगी, तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि ठीक है आज आप ये नहीं सोच सकते पर कल 2 साल बाद 4 साल बाद आप अपना लाइफ फिर से नया शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वन टाइम सेटलमेंट करके अगर थोड़ा कम भी पैसा मिल जाता है तो टोटली क्लोज करने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के लिए रहता है तो अमाउंट ये 18 साल के लिए हम बच्चों के नाम से भी डालने के लिए उनको बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रीमैरिज कर दिया तो आने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा, और बच्चों के हिसाब से हम कभी कभी लेडीज को भी मिसगाइड करके पूरा पैसा उनका वेस्ट हो सकता है। तो इस हिसाब से हम दोनों को समझाकर दोनों को और दोनों पेरेंट्स को समझाकर बच्चे के हिसाब से और लड़के के हिसाब से हम ये सब बातें समझाकर उनका सेटलमेंट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी ये केसेस चलते रहती है पर उसमें से आउटपुट कुछ नहीं निकलता है, हमको सामने वाला व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता ये समझ में आता है। तो ऐसे वक्त हमने अभी ये सोचा है कि लड़की का फ्यूचर भी अच्छा करना चाहिए, केस कोर्ट में चलते रहेगी, तो अभी स्वयं सिद्धा करके एक प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो आती है, एनजीओ आते हैं या बैंक जो है वो कोऑपरेट करते हैं, तो वो उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हम अरेंज करते हैं। उनका जो फाइनेंस जो है तो HDFC बैंक रहेगा या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग उनको पैसा देंगे। अगर ग्रेजुएशन किया है लड़की ने तो उसके कौन सा ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उस हिसाब से उनको हम वो एक मीटिंग लेके उनको उनके तरफ भेजते हैं, यानी उनका जो पैसा लगता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनके देंगे। तो ऐसा होता है कि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, कोर्ट का केस चलते रहेगा, मेंटेनेंस अगर उनको कोर्ट से मिलता है तो अगर वो अपने पैर पे खड़ी होती है और उनको कहीं जॉब मिल जाता है तो उस वक्त हम लोग ये सोचते हैं कि उसका लाइफ भी सेव हो जाता है और मेंटेनेंस में कुछ भी बाधा नहीं आएगी। इस वजह से हम उसका लाइफ सेव करने की कोशिश एक मैरिज काउंसलर करके इस वजह से सोचते हैं। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि अभी बच्चों से पापा को कोई रिलेशन रखना नहीं रहता है पर मेंटली तकलीफ माँ को देनी है, इसलिए वो बच्चे का यूज करना चाहते हैं, तो इसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत हो रहा है। और आज ऐसा लगता है कि वो बच्चे को अपना परिवार समझकर या बच्चों को एक खिलौना समझकर दोनों यूज कर रहे हैं, तो इस वक्त हमको बहुत तकलीफ होती है। तो हम उस वक्त उनको दोनों को ऐसा समझाते हैं कि आपको मिलना है तो अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो हम कोर्ट के प्रीमाइसेस में बच्चों को लेके आने की नहीं लाना ये समझाते हैं कि अगर तुम दोनों में अगर अंडर
अंडरस्टैंडिंग है तो 2 घंटे के लिए आप उनके घर से लेके जाइए और 2 घंटे के बाद उन्हीं के दरवाजे में छोड़ दीजिए बच्चों को, ताकि कोर्ट क्या है, कोर्ट के पीछे जो चलता है तो बच्चों के मन में वो सब उसके मन में ये डर तैयार नहीं हो जाएगा। अगर बच्चे के लिए ये सब वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो चलता है। अगर इफ सपोज ये नहीं चल सकता है तो हम दोनों के हिसाब से और बच्चों के स्कूल के हिसाब से हम फर्स्ट और थर्ड सैटरडे हम कोर्ट के प्रीमाइसेस में ही बच्चों के हिसाब से उनको टाइमिंग देते हैं, वो टाइमिंग में आकर बच्चे को वो लोग मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से हम पेरेंट्स को जितना काउंसलिंग कर सकते हैं उतना काउंसलिंग करके बच्चों का लाइफ कैसा सेव कर सकते हैं, उस वे से हम दोनों की कोशिश हमारी ये रहती है कि जितना लाइटली हो सकता है उतना लाइटली लेके हम अपने परिवार को सेव कैसे कर सकते हैं, ये कोशिश करते हैं। कभी कभी वो लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने एडवोकेट ने जो बताया वही उसी हिसाब से, उनके पेरेंट्स ने जो बताया उसी हिसाब से वो बोलते हैं, हमने समझाने के बाद वो नहीं समझ पाते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है हम जो बात बताते हैं तो हमने आपके ऊपर एक इतना सब बातें हमने आपके सामने रखी है, उसमें से आपके परिवार के हिसाब से और आपके घर के लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या लेना है क्या नहीं करना है, या आप बाद में भी सोच सकते हैं। इफ सपोज आज नॉट पॉसिबल करके मैंने कोर्ट में भेज दिया केस और 2 महीने 4 महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि आज मैडम ने जो कुछ बताया है तो मुझे फिर से कुछ तो भी काउंसिलिंग चाहिए, तो आप कोर्ट में बता सकते हैं, कोर्ट मेरे तरफ फिर से रेफर करके भेज देती है केस। तो ये जो प्रोसीजर चलता है तो जितना हो सकता है हमारा मेन उद्देश्य है कि लेडीज की केस है या जेंट्स की केस है हम ये कभी नहीं देखे जाते। एक परिवार का एक जो उद्देश्य है एक परिवार सेव करना है तो उस उद्देश्य ही हम उन लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ऐसा नहीं है तो मम्मी पापा जो माता पिता है उन लोगों के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वो लोग भी आते हैं कि बेटा बहू हमको घर से निकाल देते हैं तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त भी हम लोग ये समझाते हैं कि भाई जो कुछ आपका है या आपने जो बच्चों को दे दिया है, जो अभी हम बूढ़े हो गए हैं तो अब हमको क्या जरूरत है ये सब पैसों की, तो हम बच्चों को दे देते हैं, या लड़कियों को जो चाहिए तो बहुत बार ऐसे होते कि लड़कियां बोलती है हमें नहीं चाहिए, और अभी ऐसा सिचुएशन होता है कि बच्चा यहाँ नहीं रहता है फॉरेन चला जाता है या कहीं और चले जाते हैं तो सब जिम्मेदारी ये लड़कियों के ऊपर रहती है और वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो फिर लड़कियां हमारे तरफ लेके आते। तो उस वजह से हम उनको समझाते हैं अगर इफ सपोज वो हर मंथली उनके बैंक के अकाउंट में अगर पैसा जमा कर देते हैं तो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, अकाउंट दे के हम वो लीगली वे से जाने के लिए भी उनको समझाते हैं, यानी किस वे से वो समझ सकते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं इसके बजाय अगर वो दोनों पेरेंट्स क्या चाहते हैं या वो हस्बैंड वाइफ क्या चाहते हैं या वो दोनों अपने बच्चों के हिसाब से क्या होता है। बहुत बार होता है कि इस वजह से साइकोलॉजिकली इफेक्ट अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो जो इफेक्ट हमको जानते हैं तो कभी कभी हमको साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हम उनको वहां भेजने की कोशिश करते हैं कि भाई आप यहाँ जाकर वहां काउंसिलिंग कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारे काउंसिलिंग के बजाय हम बाहर से भी काउंसिलिंग करके उनका लाइफ सेव करने की कोशिश करते हैं या मेंटली उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप्स के केसेस जो है तो फैमिली मैटर में हमारे जो फैमिली मेन उद्देश्य है तो ये सफल करने की कोशिश हमारी करते हैं। अगर इफ सपोज अगर कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ हो सकता है तो हम उसको किस वे से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये समझाते हैं। गॉट इट। थैंक यू डॉक्टर संगीता जी। सो माई लास्ट क्वेश्चन इज फॉर संगीता जी। डॉक्टर संगीता जी, I would, you know, continuing with this, the effect of the pandemic on these rights and laws, I would like to know from you what has been the impact of the lockdown on divorce and separations. What is the trend that you have seen in your experience? Corona ke karan abhi
लॉकडाउन में बहुत से ऐसा हुआ है कि सब केसेस ज्यादा बढ़ी है, डाइवोर्स का प्रमाण बढ़ गया है, घरेलू हिंसाचार बढ़ गया है, मेंटली फिजिकली तकलीफ लेडीज लोगों को ज्यादा हुई है। तो इस वजह से जो घर में जो डिस्टर्ब हुआ है, तो उस वजह से जो जो आर्थिक जो समस्या थी, इकोनॉमिकली डाउन हो गई हुई है स्थिति। उसके बाद व्यसन यानी जो दारू पीना वगैरह जो है, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो जो डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए हैं, कोर्ट में बहुत से केसेस आ रहे हैं अभी। तो इसका इफेक्ट ये हुआ है कि अभी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। तो जिसकी वजह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो ज्यादा झगड़े बढ़ते गए हैं। और इसमें मेंटली हरासमेंट लेडीज को ज्यादा हुआ है, तो घर में से बाहर हकाल दिया है। उस पीरियड में घर में पूरा काम लेडीज करती थी और उसका नहीं सुनती थी, तो इसलिए और मारपीट हुई। यानी जो मारपीट और काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, और पैसा, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं। तो इस सिचुएशन में लेडीज लोगों का जो तकलीफ हुई है, उसमें घर में घर से हकेल दिया है। पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट आई है, उस वजह से अभी कोर्ट में कंटिन्यू केसेस बढ़ गई है। तो इसका मेन प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत से लोगों ने यहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए कोरोना के कारण, तो जो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, उस टाइप से जो सिचुएशन तैयार हुई है कि अभी हमारे पास काम नहीं है, या हम दोनों ने एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। ये सिचुएशन ना होने के कारण लेडीज लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। तो इसमें जो लेडीज लोग है, बहुत से घर में वापस चली गई है, या फिर इस पीरियड में कोर्ट में जो केसेस आई है, तो कोर्ट में केसेस डालने के बाद उनको रहने की जो सुविधा है, उसके लिए भी हमको कोशिश करनी पड़ गई है कि इस केस में अभी ऐसा हो सकता है कि भाई मेंटली जो टॉर्चर होता है, तो मेंटली टॉर्चर में मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण अभी इस वे से अपना आपने देखना चाहिए कि एक दूसरे को हम कैसा कर सकते हैं, कैसा नहीं समझा सकते हैं। तो ये कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं मेंटली, फिजिकली, और जो पैसे पैसे का इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो इसके इसलिए इसलिए लेडीज लोगों को समझाने की कोशिश है, जेंट्स लोगों को भी समझाने की बहुत जरूरत है। कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो मेंटली जो तकलीफ हो रही है, तो उसको किस वे से अभी संभालना है, दोनों को संभाल कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। उस वे से अभी काउंसलिंग चल रहा है। तो ये जो कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जो बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट बच्चों के ऊपर हुआ है, तो बच्चों को भी संभालने की कोशिश करने की। अभी जैसा कि एक अभी जो ये लॉकडाउन में पेरेंट्स के साथ भी बातचीत बच्चा नहीं कर पाता है, बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग है और बच्चों से मिल नहीं पाते थे। वीडियो कॉल के माध्यम से हम बच्चों कंटिन्यूशन में उन लोगों के बातचीत करने की कोशिश कर देते। तो उस वक्त क्या होता था कि वो फोन है या वीसी है, वो बंद कर देते थे। हम वीसी पे हम दोनों से बात करते थे, और उस पीरियड में अगर बच्चे का बर्थडे आता है तो उनको मिलना रहता था। और इस पीरियड में अगर हम बच्चों से मिलने के लिए अगर भेज देते घर में, अगर पेरेंट्स है या कोरोना का एक इन्फेक्ट हो गया है, तो प्रॉब्लम घर में सबको हो सकता है। तो इसमें हम दोनों को समझाया कि इस पीरियड में आपने अगर वीसी पे अगर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक बॉम्बे में है और एक पुणे में है, तो इस पीरियड में उनको समझाया तो वो बोले कि मैं पेरेंट्स को लेके बॉम्बे जाने वाला जाता हूँ और बच्चे का सेलिब्रेशन करूंगा। तो दोनों से बातचीत करने के बाद मैंने ऐसे समझाया कि ठीक है, अगर इस पर कोरोना कम हो जाता है या बंद करता है, तो आप पेरेंट्स को लेके बॉम्बे जाओगे। अगर नहीं होता है तो आप अकेले जाओगे। तो अकेले के लिए मम्मी ने, उन्होंने बच्चे के साथ मिलने के लिए पापा के लिए एक वक्त दिया था 1 घंटे के लिए, तो पापा ही बच्चे से मिलेंगे। तो इस टाइप से बच्चों को समझाने के लिए हमको वीसी के माध्यम से ये समझाने। बहुत बार ऐसा होता है कि
कंटिन्यूशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वीसी के माध्यम से हम जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा अभी जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में पेरेंट्स है, वो नहीं आए पुणे में, और बेटी जो है, बेटी 17 साल की है, तो अगर उन दोनों में कम्युनिकेशन था तो जब भी बातचीत चलती है तो वो हर वक्त पूछते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, और इस वजह से बच्ची के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसके कारण बच्ची ने अभी मिलना टोटली बंद कर दिया था, इसलिए बच्ची को काउंसिलिंग के लिए मेरे पास भेजने पड़ा। तो काउंसिलिंग के वक्त मैंने बच्चे से जब चर्चा की तो बच्ची को मैंने कहा कि हम एक बात करते हैं कि इस पीरियड में अभी पापा उतने लंबे जगह है तो पापा को मिलना है आपसे, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा देर पापा से बात कर सकते हैं। अगर पापा ने अगर दूसरी कुछ बात की है तो पापा को आप एक टाइमिंग सेट कर दो, कभी भी अगर पापा बात करते हैं उस वक्त बात नहीं कर सकोगे, आप एक टाइमिंग सेट कर दिया तो पापा उसी वक्त बात करेंगे, अगर अलग बात करते हैं तो आप कट कर दिया तो भी चलेगा। इस तरह से संभाल कर उसको बच्चों को समझाने के बाद पापा से बात करने के लिए वो एग्री हो गई, और उनको उस टाइप से रिपोर्ट मुझे कोर्ट में भेजना पड़ा। यानी कोरोना के कारण किस वे से आदमी सामने सोचेगा ये हम नहीं समझ पाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोरोना के कारण दोनों में काउंसिलिंग होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि अभी दोनों अलग थे पर काउंसिलिंग कोरोना के कारण एक साथ नहीं रह पा रहे थे, तो उस वजह से दोनों का कम्युनिकेशन उनका फोन के माध्यम से कंटिन्यू शुरू रहा, तो दोनों का रिकंसिलेशन भी करने की शुरुआत हो गई है। यानी काउंसिलिंग पहले हो गई है, तो कोरोना के कारण कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ बुरी बात भी होते रही है, पर कोरोना में जो जो सिचुएशन है सबसे ज्यादा है मेंटली स्ट्रेस की वजह से, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये दोनों को नहीं समझ पा रहा है, और जिसमें हरेसमेंट ज्यादा हो रहा है वो लेडीज को हो रहा है, उसके साथ साथ बच्चों को ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हम बच्चों को और लेडीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में जेंट्स को भी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, पर समझने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग कि अभी मैं अकेला हूं तो अकेला ही अच्छी तरह से रह सकता हूँ, ये भी उनके मन में ये तैयार हो गए हैं, तो खाना पीना और कैसा भी रहा तो भी कुछ हो सकता है, उस वजह से भी वो सोचने लगा है। तो अभी कोरोना में जो सिचुएशन तैयार हुई है, तो कोरोना से बाहर निकलकर उनको काउंसिलिंग में से बाहर निकलकर उनको दोनों को फिर से एक साथ रखने की कोशिश कर सकते हैं, या उसमें से बाहर निकलकर एक लाइफ सेव करने की कोशिश कर सकते हैं क्या, वो भी देखना जरूरी होता है। यानी झूठ बात बोलकर कोर्ट के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास अर्निंग सोर्स नहीं है, तो लेडीज की स्थिति और बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, तो मेंटली और फिजिकली लेडीज की स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो इसमें समझाने की कोशिश या समझने की कोशिश में मेंटली उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर संगीता जी।